उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया को 8,66,483 मत मिले। उन्होंने राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े अंतर 2,90,849 से जीत हासिल की है। अपनी जबरदस्त हार पर कांग्रेस के उदित राज ने प्रतिक्रिया देते हुए मतगणना में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा बीजेपी कहीं दिखी ही नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट कहां गया? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सहानुभूति का वोट कहां गया? यूपी में जीत सुनिश्चित थी इसलिए धांधली नहीं कर सके, लेकिन बिहार, एमपी, दिल्ली और अन्य स्थानों में धांधली हुई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मोदी जी को लोग अजय समझ रहे थे इसलिए पूरी ताकत हराने में नहीं लगाया, वरना करीब 1.5 लाख की जीत को हार में बदलना मुश्किल नहीं था। जिसके नेतृत्व में पूरा चुनाव एनडीए ने लड़ा वो इतने कम से जीते वो कैसे नेता? शिवराज सिंह चौहान करीब 8 लाख वोट से जीते तो उनको या नितिन गडकरी या अमित शाह जैसे लोगों को पीएम बनना चाहिए, यह मेरी निजी सुझाव है। उन्होंने आगे कहा, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार भी पीएम की दावेदारी कर सकते हैं। आईके गुजराल और चंद्रशेखर सिंह अकेले एमपी होते हुए पीएम बने थे कि नहीं? देश हित में राहुल गांधी जी या खड़गे जी को पीएम बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिलेश यादव या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को बनना चाहिए, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान बने। और वो तो मार्जिन हारने का रोहनी से इतना ज्यादा नहीं है, ये कैसे हुआ? देखिए, एक बात है कि एक साथ जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, संघर्ष के साथी हैं, तो आगे भी रहेंगे, सत्ता रहे न रहे काम की तो चिंता नहीं करने की बात है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है न किसी से डरने और न किसी से भय खाने की बात है, लेकिन कम से कम उस सच्चाई तक तो हम पहुंचे। अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर मैं कह दूंगा तो बुरा मानेगा, सच्चाई बता दूंगा, जो आपने सुना जो देखा है, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर से आप नहीं कह सकते हैं तो हमसे कह सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, कम से कम सच्चाई तो पता लगे, ये मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करता हूं। और तो यहां आज तक कार्यालय को इसलिए रोका गया था कि सब गलत है या तो महाबेईमानी की तैयारी है, और एग्जिट पोल जो कल दिखाया गया इनका सैंपल साइज कितना है, कैसे इनको पता लग जाता है? सब मैनेज्ड है और हम इसमें विश्वास नहीं करते। सकल इंडिया गठबंधन हुई है जिसमें 295 का क्लेम जो है इंडिया गठबंधन ने करा है, गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कर रही है। बिल्कुल किया है। और दूसरी बात है कि इनके मीटिंग में, रैली में लोग गायब थे। मेरे खुद के लोकसभा जहाँ से मैं चुनाव लड़ा, उत्तर पश्चिम लोकसभा से, और मैंने देखा है कि जो वोट देने वाले थे, मैं बीजेपी में पहले रहा, देखा हूँ, वो चेहरे ही नहीं थे, बीजेपी माइंडेड लोग थे ही नहीं, तो कहाँ से जीत जाएंगे भाई? या तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, ईवीएम का कारीगरी है, किस आधार पर ये जीतेंगे? कल पीएम ने ट्वीट के बाद उन्होंने कहा, अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने में विफल रहा, यह जातिवाद, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। मुट्ठी भर वंशों को बचाने के उद्देश्य से बनाया गया यह गठबंधन देश के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहां तक तो प्रधानमंत्री खुद कभी रोजगार के बारे में बोल पाए और महंगाई के बारे में बोल पाए, कालाधन के बारे में बोल पाए, किसानों के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? चुनाव प्रचार में जो युवा इस देश के अंदर बेरोजगार हो गया, किसान की जो हालत खराब है, और जो मीडियम बिजनेसमैन है उसके बारे में एक शब्द बोला? अनर्गल शब्द बोलते हैं जिसका देश से मतलब नहीं, अर्थव्यवस्था से मतलब, शिक्षा से मतलब नहीं है, और न ही जीवन स्तर से कोई मतलब है। कांग्रेस अभी भी सरकार बनाने का विचार बना रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं,
99 पे अटके हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, क्या कभी रह रही है? तीसरी बार 300 पार ही अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है, 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट, 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, तो हमारी तो 243 है और एनडी के पास 293। वोट मिल रहा है और वो तो माटी हारने का रोहनी से इतना ज्यादा नहीं है, ये कैसे हुआ? देखिए एक बात है कि एक साथ जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, संघर्ष के साथी हैं, तो आगे भी रहेंगे, सत्ता रहे न रहे, काम की तो चिंता नहीं करने की बात है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा न किसी से डरने और न किसी से भय खाने की बात है, लेकिन कम से कम उस सच्चाई तक तो हम पहुंचे। अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर मैं कह दूंगा तो बुरा मानेगा, सच्चाई बता दूंगा, जो आपने सुना जो देखा है, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर से आप नहीं कह सकते हैं तो हमसे कह सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, कम से कम सच्चाई तो पता लगे, ये मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करता हूं। अब तो यहां आज तक कार्यालय को इसलिए रोका गया था कि कांग्रेस अभी भी सरकार बनाने का विचार बना रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, क्या कभी रह रही है? तीसरी बार 300 पार ही अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है, 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट, 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, हमारी तो 243 है और एनडी के पास 293। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको